आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज की वीडियो जो हमें सजेस्ट की गई है वो की है नीरज सिंह ने, और वीडियो का टाइटल है ग्रैंड मदर स्कूल इन महाराष्ट्र विर्चुअल भारत। ग्रैंड मदर स्कूल, हम ग्रैंड मदर स्कूल देखने जा रहे हैं। वेल, अभी हम देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का, इस चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। माझा गाव, माझं संपूर्ण जीवन मी इथंच जगले। माझी मुलं, माझ्या मुलांची मुलं सगळे इथेच। हे माझं घर आणि हेच माझं जग। माझा आणि माझ्या आजीचा गाव, मला माझा गाव खूप आवडतो। सगळं खूप छान आहे इथे। ही माझी आजी, ती खूप म्हातारी आहे। मी आणि आजी आम्ही सोबत तयार होतो। गावात पण सोबत चालतो। मी तिला चालायला मदत करते। आजी म्हणते की ती जेव्हा माझ्या वयाची होती तेव्हा शाळा नव्हती, पण आता आहे शाळा। नाही नाही नाही, माझी नाही, माझ्या आजीची शाळा। ह्या आजीची शाळा आणि ह्या आणि ह्या आजीची शाळा। आजीबाईच्या शाळेला पाटी आणि पेन्सिल घेऊन जाऊ शिकण्याला। अडाणी मी गोळाबाई, मन माझं उदासीन गुर गुर वाटे बाई, कधी मी शिकेन बुक दिले नवे कोरे वाचायला हातात। डोळे असून वाचायला मला नाही येत। गणेशाची कृपा किती पण सुटला पुन्हा जाते आता शिकण्याला। आजीबाईची शाळा चालू झाली फांगणे गावाला। चल ग सखू, चल ग ठकू, लिय आणि शिकू शाळेला। गावाला मी जाते कोण्या मोटारीत समजना। पाटी आहे तिच्यावर वाचायला येईना। पहिली माझी ओवी ग गंडाया गाईन, ते बुद्धी चांगली शाळेत जाईन।
आजी होईल ही शाळा नसायला पाहिजे, कारण जर सगळी मुले शाळेत गेली तर आजीबाईच्या शाळेची गरजच असणार नाही। आता मी तयार आहे, देव दरबारी मला जेव्हा विचारणार तुम्ही काय केले तुमच्या मानव रूपामध्ये, तर मी सांगू शकेन कि मी शिकली, मला सही करायला येते। आता मी तयार आहे। असे गरजुनी विद्या शिकण्या जागे होऊन झटा, परंपरेच्या बेड्या तोडुनी शिकण्यासाठी उठा, शिकण्यासाठी उठा, शिकण्यासाठी उठा। अगर इस वीडियो की बात करें तो सीरियसली वाओ यार, वाकई में एक बहुत अमेजिंग चीज़ हमने देखी है। ये चीज़ मैंने लिटरली मैंने एक्सपेक्ट नहीं दी कि इंडिया में इस तरह की भी कोई चीज़ होगी कि ग्रैंड मदर्स के लिए, नानियों के लिए, दादियों के लिए स्कूल शिक्षा दी जाएगी उनको। सही बात है। अगर अच्छा मजे की चीज ये कि हम लोग इन्हें ग्रैंड मदर स्कूल पढ़ा जरूर था, बट आई थॉट ग्रैंड मदर स्कूल होगा कि ग्रैंड मदर का स्कूल। मैं भी ये समझा था कि शायद जो है ना वो क्या ना ग्रैंड मदर ने कहीं पुराने वक्तों में स्कूल खोला होगा तो अभी तक चल रहा होगा। तो लेकिन जैसे वो मतलब स्टोरी बता रहे थे और जिस तरीके से मतलब जो उनकी ग्रैंड डॉटर थी वो उनको लेकर जा रही थी, आई थॉट कि वो उनको छोड़ने जा। मैं भी यही वैसे समझा था, जब उल्टा हुआ सब कुछ एकदम। सीरियसली मुझे लगता है मैं हम लोगों ने जितनी भी कैंपेन्स देखी हैं जो कि लोगों की भलाई के लिए होती है, जिसमें सोशल वेलफेयर में आती है, सबसे बेस्ट खूबसूरत और जिसके लिए हमारे पास वर्ड्स नहीं है वो ये उनमें से एक। यार मुझे जो है ना एक लाइन बीच में बहुत अच्छी लगी जहाँ पे उन्होंने कहा कि पहले गांव से बाहर जाती थी तो चीजें नहीं थी पढ़नी आती, लेकिन अब जाते हैं तो अब पढ़ना आता है। एजुकेशन मतलब वो वाला मोमेंट जब आपको अपना मतलब आपको अंगूठा नहीं लगाना पड़ेगा, थंबप्रिंट से काम नहीं चलाना पड़ेगा, आपको सिग्नेचर करने आ जाते हैं यार। बिल्कुल, इस कदर खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली। और अच्छा वैसे एक चीज मैं बीच में जिस तरीके से वो पीछे एक सॉन्ग चल रहा था जो आई थिंक लॉर्ड गणेश है वो मतलब नॉलेज से रिलेटेड आई थिंक होंगे, जो मतलब उसमें बोलते हैं कि मोटिवेशन भी हमें दे, प्लीज ये हमें जरूर कंफर्म कीजिएगा क्योंकि काफी सारी मतलब ये बीच में वर्ड आया और उन्होंने भी बोला। बिल्कुल, और मैं यहाँ पे एक और चीज कहना चाहूंगा, आज एक चीज वाकई में सच हो गई है कि शिक्षा एजुकेशन तलीम तीनों लफ्ज का मैंने इसलिए इस्तेमाल कर लिया ताकि जिसे जो समझ आती है वो उसे समझ सके। हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी एज में जाकर जो है ना हासिल इस चीज को कर सकते हैं। और एक चीज, एक मोटिवेशन इनको देखकर ये मिलती है कि आपके पास अपनी लाइफ में चीजें ना करने के लिए हजार एक्सक्यूजेज होते हैं, बट जब आप ऐसी चीजें देखते हैं ना तो मेरा ख्याल में आपको इतना ज्यादा एक अंदर से आपको एक यू नो जोश आता है और आपको मोटिवेशन मिलती है कि नहीं हम लोग भी कर सकते हैं, अभी हम यंग हैं। नो डाउट बहुत ज्यादा हमारे आगे हर्डल्स आती हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ इनसे ज्यादा तो नहीं ना, जो इन लोगों ने अपनी एक लाइफ देखी, फैसिलिटीज नहीं थी उस तरीके से जैसी हमारे पास है, बट उसके बावजूद अगर हम चीजें उस तरीके से ना करें तो मुझे लगता है कि वो जस्ट एक्सक्यूजेज हैं और उनमें मैं भी शामिल हूं। और जहां पे वो तो मैं भी वैसे शामिल हूं, लेकिन अगर एक और चीज बात करें जिस एज में वो हैं, इस एज में आकर चीजों को समझना, तालीम हासिल करना
करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चा जो होता है उसके तो जहन में वो चीज बचपन से ही डाल दी जाती है, लेकिन एक पक्के जहन में इस तरह की चीजें डालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लर्निंग प्रोसेस उनसे आई थिंक वो थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि जब आप बच्चे होते हैं तब आपका लर्निंग प्रोसेस फास्ट होता है। और यहाँ पे जो है सावित्री बाई जी, उन्हें ये जो है ट्रिब्यूट पेश किया गया है, और जो है मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जिनका नाम है, दोस्त नहीं भाई कह लें, बहुत देर पहले उन्होंने मुझे मैसेज करके इनके बारे में बताया था कि उन्होंने इंडिया में जो है, तुषार उनका नाम है, कि उन्होंने जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो खवातीन थी उनको ऊपर उठाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की, उनकी जो है शिक्षा पे जो है बहुत ज्यादा जो है उन्होंने फोकस किया, लोगों को फोर्स किया आगे आगे पढ़े औरतों को, और उनके घर वालों को भी कहा कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है स्पेशली जब आप औरतों के लिए ऐसे काम करते हैं, क्योंकि मैंने ऑनेस्टली बोलूं तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में औरतों के लिए अगर कोई उठता है, मुझे लगता है कि, लेकिन ये कि औरतों के लिए उठना वो वाला नहीं कि हैशटैग फेमिनिज्म वाला मैं नहीं बात कर रही, बट वो वाला कि जो वाकई में एक्चुअल राइट्स हैं औरतों के उस पर बोलता है, तो और जैसे कि इन्होंने काम किया, तो मुझे लगता है कि ये चीजें आपकी सोसाइटी में वाकई में चेंज लेकर आती हैं, और वाकई में सल्यूट है सावित्री बाई जी को जिन्होंने इतना इम्पोर्टेंट मैं कहूंगी कि स्टेप लिया अपनी लाइफ में इतनी सारे लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। और ये सोचेंगे ये काम जो है उन्होंने 1831 से 1897, तो ये जो उनका है वो है ना टाइम पीरियड जिसमें जो ये पैदा हुई, उनकी डेथ हुई, तो इसी के दौरान जो उन्होंने ये काम किया, तो वो टाइम था, हाँ वो टाइम था जब औरतों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, मतलब कि मौजम ऑलमोस्ट हम कह ले सकते हैं कि 100 साल तकरीबन 100 साल से ज्यादा 1831 से 18 200 साल हो गए ना अब तक, तकरीबन 200 साल, हाँ नहीं अभी 2020 चल रहा है, तो आप कह ले तकरीबन कोई 180 साल पहले उन्होंने ये कैंपेन स्टार्ट की थी औरतों के लिए। और मुझे थी बाकी में जो उनका मैसेज दिया गया मुझे बहुत खूबसूरत लगा कि विद अ रोल राइज एंड फाइट फॉर योर राइट टू एजुकेशन ब्रेकिंग द चेन्स ऑफ ट्रेडिशन गो गेट एजुकेशन। वाकई में उस टाइम पर ये सब चीजें बहुत ज्यादा आई थिंक मुझे तो लगता है शायद टैबूज मानी जाती होंगी कि और लड़कियों को बाहर नहीं जाने देना, पढ़ने नहीं देना, या उनको शिक्षा देने में प्रॉब्लम होती होंगी, बट उस टाइम पर सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में तो औरत को बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल चुकी हुई है, लेकिन वो तो उस टाइम पर खड़े होना वही मैं बात कर रहा हूं, वाकई में एक जिगरा चाहिए होता था आपको, और वो वाकई में हीरोज में आती है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और एंड पर मुझे वो मैंने देखा कि अजीम प्रेम जी फाउंडेशन, हाँ वो भी इनके साथ हैं, तो हम लोगों ने अजीम प्रेम जी का भी जब देखा था तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि वो भी काफी ज्यादा मतलब शिक्षा की तरफ जो उसमें काफी ज्यादा डोनेट करते हैं। बिल्कुल वेल, बहुत खूबसूरत मैसेज था, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच नीरज, मैं बोलूंगी कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना खूबसूरत वीडियो भेजा और हम लोगों ने देखा। बिल्कुल, और वीडियो में मुझे एक चीज और बहुत अच्छी लगी जो मैं एंड पे डिस्कस कर रहा हूँ, कि जिस तरह वो स्कूल जा रही थी और बच्चों की तरह खेल रही थी, तो ये चीज जो हमें बहुत अच्छी लगी, वो जो है ना एक कहते हैं ना अपने बचपन की यादें ताजा करना, ये वो चीज थी। वैसे बोलते हैं कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना तो वो बच्चा ही बन जाता है, बिल्कुल वही वाली फीलिंग्स आ रही थी। वेल, ये थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अब आप हमें जा रहे, लेकिन जाने से पहले हम अगेन आपको बोलना चाहते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और इसी के साथ हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, हमारी वीडियोस को लाइक, हमारे चैनल करें हमारी वीडियोस को शेयर, एंड गिव अस योर प्रेयर्स विद गुड बाय। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन, हाँ लास्ट रह गई, क्यों दे रही है।